तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं घर से, और आप देख सकते हैं बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। हमारा पहले प्लान था आज सुबह 6 बजे निकलने का, लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए निकलने में। और आज का हमारा जो टूर रहेगा, हम लोग जा रहे हैं पीतल नगरी मुरादाबाद, और जैसा आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, ये हमारा आज पहला एक्सपीरियंस है मोटो ब्लॉगिंग का। पहली बार हम जा रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, और देखिए कुदरत को भी शायद यही मंजूर था कि पहले ही दिन हमारी परीक्षा ली जा रही है। वेदर काफ़ी ख़राब है आज सुबह से ही, और आज पूरा दिन बारिश दे रखी है, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। और पेट्रोल पंप पर फ्यूल डलवा करके अब हम निकल चुके हैं अपने आज के डेस्टिनेशन पर। और चूंकि जैसा मैंने बताया आज हमारा पहला मोटो ब्लॉग है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और कुछ डर भी है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है आज। बाइक तो कई बार लेकर के गए हैं, लेकिन ब्लॉगिंग करते हुए आज पहली बार ही जा रहे हैं। पहले कई बार सोचा कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए पहले कोई अच्छी सी बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, तभी जाया जाए, लेकिन फिर मन में आया कि जब हमारे पास बाइक है तो उसी से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बाइक आपकी 100cc हीरो स्प्लेंडर प्लस ही क्यों ना हो। तो आज हम जा रहे हैं इस मोटो ब्लॉग को शूट करने के लिए। और एक्शन कैमरे की बात करें तो इस समय जो शूट हो रहा है, ये कैमरा है आपका इंस्टा 360X3, और उसके साथ हमने पेयर किया है रोड वायरलेस माइक 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मोटो ब्लॉग। ते हैं चार लोग बैठ करके यहाँ पर जा रहे हैं बाइक पर, यहाँ हम दो ही लोग बैठे हैं और ये चार लोग बैठे हैं। तो ट्रिपलिंग आपने सुनी होगी, लेकिन जब चार लोग बैठे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। और अब आ चुका है हमारा बछराऊँ, और बछराऊँ से अब हम निकल रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, रोडवेज वाले नहीं मानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ नर्सरी, बछराओं की पहचान, और बारिश भी काफ़ी तेज़ है। इस समय आ चुके हैं हम चोपला थाना चोपला गजरोला पर, और ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं मार्केट, और इधर लेफ्ट में है यहाँ का सरकारी अस्पताल। देख सकते हैं हम मुख्य चोपला पर आ चुके हैं। यह चोपला अगर आप सीधे जाएंगे तो पहुंचेंगे हसनपुर संभल चंदौसी, और राइट में जाएंगे तो जाएंगे दिल्ली हापुड़ गाज़ियाबाद के लिए, लेकिन हमें जाना है मुरादाबाद, तो हम लेफ़्ट के लिए यहां पर मुड़ते हैं जोया रजबपुर होते हुए हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर पीतल नगरी मुरादाबाद। बारिश की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जो हेलमेट का वाइज़र है उस पर पानी की बूंदें इकट्ठा हो चुकी हैं। और अब हम आ चुके हैं गजरोला बाईपास, और नीचे सड़क पर काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाइक भी डिसबैलेंस हुई, क्योंकि आइडिया नहीं था यहाँ इतना पानी भरा हो सकता है। लेफ़्ट में आप देख सकते हैं बीकानेर वाला बर्गर किंग और कुंदन मोगा जैसे बड़े आउटलेट्स।
आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये हमारा फर्स्ट मोटो ब्लॉग कैसा लगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं और निश्चित ही हम आगे भी इसी तरह की और इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अब थोड़ी बात करते हैं मोटो ब्लॉगिंग की। तो मोटो ब्लॉगिंग आसान भी है और मुश्किल भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आसान कैसे है। मोटो ब्लॉगिंग उन लोगों के लिए आसान है जो लोग कैमरे के सामने हेसिटेट करते हैं, शाई फील करते हैं, संकोच रहता है मन में, तो उन लोगों के लिए आसान है क्योंकि आपको कैमरे को फेस करना नहीं होता। लेकिन मुश्किल के लिए है इस मोटो ब्लॉगिंग में। आपको जब तक आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एक तो हेलमेट को आपको वियर करना है, तो कोई सा भी वेदर हो, गर्मी सर्दी बरसात, परेशानी तो देता है। दूसरा, आपको ड्राइविंग भी करनी है और उसके साथ साथ बोलना भी है। तो ब्लॉगिंग, ड्राइविंग करते समय ब्लॉगिंग करनी है, तो दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि मल्टीटास्किंग है। एक ही समय पर आपको अपनी ड्राइविंग पर और ब्लॉगिंग पर फोकस करना होता है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। 48 किलोमीटर्स के बाद हम लोग पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर, पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बड़ा कारोबार यहां पर होता है और ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट को यहां से सबसे ज़्यादा एक्साइज मिलता है, क्योंकि यहां पर लगभग 3000 छोटे मड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो ब्रास सिटी है, ब्रास का, वुडन का, अनपॉलिश और पॉलिश मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप और बाकी सारे कंट्रीज़ को। तो बात कर लेते हैं मुरादाबाद शहर की। तो मुरादाबाद शहर वैसे तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दिल्ली से लखनऊ जाने वाले इस प्रमुख हाईवे पर मुरादाबाद शहर लोकेटेड है। IFTM यूनिवर्सिटी मेरे राइट साइड में। और अब हम आ चुके हैं मुरादाबाद शहर में, और मेरे राइट साइड में HDFC बैंक और मेटल ब्रास, लेफ्ट साइड में स्प्रिंग फील्ड कॉलेज और स्कूल। और अपनी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर इंस्टा 360X3 को माउंट करके हम आपको दिखा रहे हैं ये शानदार फुटेज मुरादाबाद शहर से। और मेरे लेफ्ट में पार्क स्क्वायर होटल और नामी गिरामी कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिसेस यहाँ पर देख सकते हैं आप। बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े शोरूम, मुरादाबाद शहर। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे राइट में मुरादाबाद मंडल उत्तर रेलवे का ऑफिस। और आप देख सकते हैं मुरादाबाद में सभी जगह ये रोड के साइड पर काम चल रहा है, खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है, रेड मार्बल बोल सकते हैं आप इसको, इसका काम चल रहा है। और मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं कई सारे शोरूम यहाँ पर बने हुए हैं।
और आप देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो गया है। ये पहले जो बीच में यहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी ये नहीं थी, ये रेलिंग लग गई है यहाँ लोहे की। और साइड में आप देख रहे हैं ये जो काम हो रहा है ये भी पहले नहीं था, तो थोड़ा सा लुक को जो है चेंज किया गया है बुध बाज़ार की। और ये आ चुका है यहाँ का फेमस शंकर स्वीट्स मेरे लेफ्ट में। और ये आ चुके हैं पुलिस चौकी बुध बाज़ार मेरे राइट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ही सुंदर ग्लो साइन बोर्ड लगाए गए हैं दोनों ही तरफ, बहुत अच्छा बहुत सुंदर। और सड़कें भी काफ़ी चौड़ी हो गई हैं, बीच में काफ़ी सुंदर ये आप देख सकते हैं रेड स्टोन से इसको कवर किया गया है, बीच में प्लांट्स लगाए गए हैं। और यहाँ की जो लुक है उसको सुंदर रूप दिया गया है, इसके लिए कई सारी दुकान और मकानों को भी तोड़ा गया है जिससे जो रोड है उसको चौड़ा किया जा सके। सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, पहले तो बड़ी दिक्कत रहती थी। तो बुध बाज़ार मुरादाबाद से इस समय आप देख रहे हैं ये व्यू प्राउड मोमेंट्स के माध्यम से। और आज हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट मोटो ब्लॉग शूट मुरादाबाद से, और सामने शान से फहरा रहा है हमारे देश की आन बान और शान, हमारा प्यारा तिरंगा।